दोस्तों, शोले फिल्म के मशहूर किरदार सांबा को हर कोई जानता है। शोले फिल्म में सांबा का किरदार निभाने वाले मैक मोहन ने कई सारी फिल्मों में विलेन का रोल अदा किया है। यही कारण है कि लोग मैक को उनके नाम से ज्यादा उनके किरदार से पहचानते हैं। हालांकि उन्होंने कई सारी फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया है, लेकिन शोले फिल्म में सांबा के छोटे से किरदार को जिस तरह से उन्होंने निभाया वो काबिले तारीफ है। यही वजह है कि लोग उन्हें इतना ज्यादा पसंद करते हैं। ये तो हो गई मैक की बात, चलिए अब उनके परिवार के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। उनका परिवार काफी बड़ा है। उन्होंने साल 1986 में मिनी से शादी की थी। उनकी पत्नी मिनी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। मैक मोहन और उनकी पत्नी की मुलाकात तब हुई जब मैक मोहन की माँ एक आरोग्य निधि हॉस्पिटल में एडमिट थी। इनके तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटी और एक बेटा है। मैक की बेटियों का नाम मंजरी मैकेजनी और विनती मैकेजनी है। मैक के बेटे का नाम विक्रांत मैकेजनी है। मैक मोहन एक्ट्रेसेस रवीना टंडन के मामा है। इनकी दोस्तों की बात करें तो सुनील दत्त उनके काफी अच्छे दोस्त है, क्योंकि वो भी उनके साथ लखनऊ में पढ़ा करते थे। इनकी बेटी मंजरी मैकेजनी एक इंडियन राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। इन्होंने कई हिंदी और इंग्लिश फिल्मों में काम किया है और सात खून माफ जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। मैक की दूसरी बेटी विनती मैकेजनी फिल्म इंडस्ट्री की एक फेमस प्रोड्यूसर और डिजाइनर है। विनती को उनकी फिल्में स्केटर गर्ल, फेथ, जो हम चाहे जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्मों के करियर में विनती ने कई सारे फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। मैक मोहन के बेटे विक्रांत मैकेजनी पेशे से एक एक्टर है। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने अपने करियर में ज्यादा फिल्में नहीं की हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को द लास्ट मार्बल, जो साल 2012 में रिलीज हुई थी, उनकी हिट फिल्म है। तो दोस्तों, मैक मोहन के परिवार के ऊपर बनाई गई ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।